स्कूटर की जो सिर्फ स्पीड है वो 85 की है, जिसमें कि आपको 2 किलोवाट बैटरी जिसकी रेंज 85 किलोमीटर मिल जाएगी, और हमें इसमें डिजिटल की भी मिलेगी, नेविगेशन मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, तो यू शेप ग्रैब हैंडल इसमें हमें देखने को मिलेगी, जो डिस्क ब्रेक देखने नहीं मिलेगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडक व्लॉग। तो गाइस, कल ओला इलेक्ट्रिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ओला S1 एयर की जो टेस्ट है वो ली है और लिखा है कमिंग टू जुलाई इन योर सिटी। तो ये जो पेमेंट विंडो है गाइस, क्या कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन होने वाली है, और जिन लोगों ने भी स्कूटर रिजर्व कर रखा है और उनको ये स्कूटर कब मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस स्कूटर की जो पहली झलक है और जो भी सब कुछ चीज़ है वो ऑलरेडी आपने देख ली होगी, बट अब ओला इलेक्ट्रिक ने किसी भी तरह से इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है हमसे कोई छुपाई नहीं है, सब कुछ हमें बता दिया गया है, और लिखा है कि कमिंग टू जुलाई इन योर सिटी। तो वहां पे अगर हम देखेगा इस, तो जल्दी इसकी जो डिलीवरी है वो स्टार्ट होने वाली है, जुलाई से अगस्त तक इसकी डिलीवरी आराम से कर दी जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ओला इलेक्ट्रिक के इस S1 एयर में हमें क्या कुछ चीज़ें चेंजेस मिलने वाली है, और क्या कुछ चीज़ें इसमें नहीं मिलने वाली है, और क्या कुछ इसमें खामियां हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले गाइस, इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपने देखा ये ड्यूल टोन बॉडी कलर भी इसमें शामिल है, यानी कि ऑलमोस्ट सभी स्कूटर का जो नीचे का लोअर पार्ट है वो ब्लैक कलर का है। नेक्स्ट, इस स्कूटर में फ्लैट फ्लोर बोर्ड आपको देखने मिल जाएगा, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अच्छा है, क्योंकि आपको देखा ही है ओला S1 में आपको जो है बीच में बैटरी के हमें हब मिल जाता है, जिस वजह से हमें कस्टमर को काफ़ी परेशानी हो जाती है और स्कूटर प्रैक्टिकल नहीं लगता, जिससे काफ़ी लोगों की जो परेशानी हो रही है वो आपको खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, इस स्कूटर में आपको ड्यूल फॉक मिलने वाले गाइस, जो सबसे मेन अगेन इशू हो जाता है, जो भी ओला S1 और S1 Pro है इसमें नहीं मिलता, उसमें सिंगल सस्पेंशन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आई है। उसी के साथ में अगर हम देखें गाइस, तो इसके डिजाइन में भी बहुत ज़्यादा कुछ चेंज किया है कंपनी ने, पीछे की ओर इसमें हब माउंटेड मोटर मिलेगी, जबकि अभी तक ओला कंपनी गाइस सेंटर माउंटेड मोटर का इस्तेमाल करती थी। उसके बाद में अगर नेक्स्ट देख ले, तो यू शेप ग्रैब हैंडल इसमें हमें देखने को मिलेगी, जो अगेन अच्छी बात है, क्योंकि ओला S1 का जो है वो बिल्कुल ही बेकार है और एकदम लो क्वालिटी का है। उसके बाद में गाइस, फ्रंट पॉकेट का जो डिजाइन है वो भी चेंज किया जाएगा, जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो स्पीकर ग्रिल है और उसका जो डिजाइन है वो भी चेंज होने वाला है। इसके अलावा 34 लीटर का बूट स्पेस तो आपको मिलेगा ही, जो कि अगेन काफी अच्छी बात है, क्योंकि ओला S1 में हमें 36 का मिल जाता है और इसमें 34 का, तो आई थिंक ये सेम है, तो इसका कोई इशू नहीं। उसके साथ में गाइस, हमें इसमें डिजिटल की भी मिलेगी, नेविगेशन मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओला S1 और S1 एयर जो है ये दोनों में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है गाइस। ओके, बस थोड़ा सा ये जो स्कूटर है काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया है, यानी कि इसके जो फीचर है ऑलमोस्ट सभी आपको मिलेंगे जो भी ओला S1 और S1 Pro के इनके जो प्रीमियम लिस्ट में आते हैं। वहीं स्कूटर की जो लिमिटेशन है ये थोड़ी हमें परेशान कर सकती है, जैसे कि स्कूटर की जो सिर्फ स्पीड है वो 85 की है, जिसमें कि आपको 2 किलोवाट बैटरी जिसकी रेंज 85 किलोमीटर मिल जाएगी, और 3 किलोवाट आवर की जो बैटरी है इसकी रेंज आपको 125 किलोमीटर देखने मिल जाएगी, और लास्ट और जो है हमारा 4 किलोवाट आवर की जो बैटरी है इसकी रेंज आपको 165 किलोमीटर देखने मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट इसमें से है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी स्कूटर में कुछ खामियां भी देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम देखे गए तो इसकी किसी भी प्रकार में मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक देखने नहीं मिलेगी, जबकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा इसकी कीमत जाने वाली है, तो यहाँ पर गाइस जरूर से डिस्क ब्रेक देना चाहिए था। नेक्स्ट अगर देखे गाइस, तो हम माउंटेड जो मोटर्स है इनकी इतनी अच्छी लाइफ नहीं होती जितनी सेंटर माउंटेड मोटर्स की होती है, वहीं इसका एक्सीलरेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है और आपको वीक महसूस होता है, यानी आपको जो एक्सीलरेशन है वो आपको स्मूथ नहीं मिलता। उसी के साथ नेक्स्ट अगर देखे गाइस, तो कंपनी ने अगेन इसमें डिजिटल की का ऑप्शन दिया है, यानी कि इसमें से कोई भी चाबी से ओपन करने वाला सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी का कंसल्ट आ जाता है, क्योंकि जब भी इसके डिस्प्ले में पासवर्ड डालते गाइस, उनके मोबाइल का एप्लीकेशन जो है वो इसके साथ में ठीक से कभी काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो फीचर है मुझे इस वजह से ये पसंद नहीं आया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको की वाला फीचर ज्यादा अच्छा लगता है या टच स्क्रीन वाला। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी ने इसमें फिजिकल ऑप्शन जरूर देना चाहिए। इसके अलावा जो कंपनी ने इसमें प्रैक्टिकल चेंज किए, जैसे कि इसका जो बोर्ड है वो फ्लैट कर दिया गया है, ड्यूल फॉग दे दिया है, ये मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि ये सब चीजें गाइस ओला S1 में नहीं मिलती, क्योंकि इस वजह से काफी लोगों को जो परेशानी जाती है वो इसमें ठीक कर दी गई है। तो जिन लोगों ने स्कूटर बुक कराया है, आपकी क्या राय है इस स्कूटर के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपने कौन सा मॉडल और कौन सा बैटरी पैक चॉइस किया है हमें जरूर बताएं। तो उम्मीद है गाइस ओला S1 एयर के बारे में जो भी डिटेल है आपको सही दे पाया हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।